हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो टैग ट्रिपल टू। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ फिर से एक और नई रीडिंग। और आज हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पर्सन आज पूरा दिन किस एनर्जीज में रहे हैं। ठीक है गाइस, बस आपको यहाँ पर ये जरूर ध्यान रखना है, ये जो भी रीडिंग होने जा रही है वो जनरल कलेक्टिव और एक टाइमलेस रीडिंग है। यानी कि जब भी आपके सामने आएगी आप तभी से आपके लिए ये रीडिंग एप्लीकेबल होगी। मैरिड अनमैरिड कोई भी पर्सन रीडिंग देख सकता है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, लड़का लड़की कोई भी देख सकता है। तो चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन आज दिन भर में किस एनर्जीज में रहे हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए व्यूअर्स के पर्सन की आज दिन भर की एनर्जीज के बारे में बताइए। गाइड कीजिए यूनिवर्स, बताइए द क्रिएटर बियॉन्ड इल्यूजन कॉम्प्रोमाइज मोमेंट टू मोमेंट अबेंडेंस। देखिए गाइस, मुझे सबसे पहली बात आपके पर्सन के बारे में ये दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर जो है ना बहुत बड़ी बड़ी हाँकने में कम नहीं है। ठीक है, यानी कि ये बोलते ज्यादा हैं करते कम हैं, कुछ इस तरह की एनर्जीज इनकी आई है। सोचते हैं कि इन्हें पकी पकाई खीर मिल जाए, इन्हें उस चीज के लिए मेहनत ना करनी पड़े, इन्हें कुछ काम ना करना पड़े, ऐसी सोच जरूर है इनकी। यहाँ पर इस तरह की इनकी नेचर मुझे दिख रही है। ठीक है, ओवरऑल हमारा सवाल ये था कि आपके पर्सन आज दिन भर किस एनर्जीज में रहे हैं, जो बता रहा है काफी ज्यादा कंफ्यूज रहे हैं, अपने आप को क्रॉस रोड पर इन्होंने महसूस करा है, कुछ चीजें ही अपनी लाइफ में क्रिएट करना चाहते हैं, किसी तरह की पॉजिटिविटी अपनी लाइफ में लेकर आना चाहते हैं, अबेंडेंस अपनी लाइफ में लेकर आना चाहते हैं, लेकिन इन सब चीजों को लाने के लिए इन्हें जो कॉम्प्रोमाइज करने पड़ेंगे, जो इन्हें इक्वल गिव एंड टेक करना होगा, उन चीजों से ये सहमत नहीं है। यहाँ पर ये चीजें दिख रही हैं। ठीक है, इसी वजह से आपके पर्सन आज बहुत ज्यादा दुविधा में, बहुत ज्यादा जगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि इन्हें ये है कि ये चीजें मिल तो जाए, लेकिन इस चीज के लिए जो जो करने पड़ेंगे, जो एफर्ट करने पड़ेंगे, जो देना पड़ेगा, उस चीज के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पर इस तरह की एनर्जी है और इसीलिए ये कंफ्यूज्ड हैं। क्लैरिफाई करेंगे तो और आइडिया हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए मोमेंट टू मोमेंट को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। बताइए यहाँ पे ये कार्ड क्यों आया है, किस मामले में जगल कर रहे थे। 1 2 3 4 देखिए यहाँ पे आया है कैंसर पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क मीन एंड वृश्चिक राशि, एरीज लियो एंड सजिटेरियस, मेष सिंह एंड धनु राशि एंड स्कॉर्पियो की एनर्जीज है। मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है गाइस, देखो आपके पर्सन दो चीजों में जगल कर रहे थे। एक तरफ है इनका प्यार, जिसके लिए फीलिंग्स रखते हैं, जिसके साथ ये रिश्ते में आना चाहते हैं, जिसके साथ इनकी जो भी प्रॉब्लम्स हुई हुई हैं उसे सॉल्व करना चाहते हैं वो, और दूसरी तरफ है इनकी स्टेबिलिटी, दूसरी तरफ है इनकी जो भी विशेष है वो। यहाँ पर ये चीजें हैं जिन दोनों मामले में ये पॉजिटिविटी अपनी लाइफ में लेकर आना चाहते हैं। ये भी बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड है, जिस मामले में ये पॉजिटिविटी चाहते हैं कि इनकी लाइफ में जो भी हो अच्छा हो, चाहे रिलेशनशिप को लेकर हो, चाहे फिर वो इनकी स्टेबिलिटी को लेकर हो, लेकिन आपके पर्सन को ये आज एहसास हो रहा था, चाहे वो इस तरफ बढ़े या इस तरफ बढ़े, दोनों तरफ इन्हें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, दोनों तरफ इन्हें कहीं ना कहीं झुकना पड़ेगा, जिस वजह से ये तैयार नहीं थे और इसीलिए ये जगल कर रहे थे। अभी इनकी सिचुएशन हो, स्टेबिलिटी हो, उसी के लिए क्यों ना हो, यहाँ पर ये चीज है। इन चीजों के मामले में काफी ज्यादा सोच विचार कर रहे थे आपके पर्सन आज दिन भर, कहीं ना कहीं आपसे बात करने के बारे में भी बहुत ज्यादा सोच रहे थे कि वो आपसे डिस्कस करे, आपसे बात करे कि अब आपके दिल में इनके लिए क्या है। यहाँ पर ये चीज है, ताकि इनके ये जो जगल कर रहे हैं, जो कंफ्यूजन में है, उस कंफ्यूजन से ये बाहर निकल जाए और इनकी लाइफ में पॉजिटिविटी आ जाए। यहाँ पर ये चीजें हैं। ठीक है, इसीलिए आज दिन भर काफी ज्यादा जगल करते रहे हैं। अबेंडेंस के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, बताइए किस मामले में अबेंडेंस चाहते हैं, या अबेंडेंस किस तरह का है। अबेंडेंस को क्लैरिफाई कीजिए, किस मामले में है अबेंडेंस।
चकलिंग फिर से आ गया है इनका। देखिए यहाँ पे आया है कैंसर, सॉरी जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला एंड कुंभ राशि, एरीज लियो एंड सजिटेरियस मेष सिंह एंड धनु राशि एंड टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या एंड मकर राशि। नंबर आपके लिए 2 इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है, यानी कि फरवरी मंथ। हो सकता है आपका रिश्ता 2 सालों का हो और उस 2 साल के रिश्ते में आप 2 महीने से एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे हो, या यहाँ पर ये भी चांसेस है रिश्ता आपका और भी ज्यादा समय का था लेकिन आपको अपने पर्सन से बात करे हुए 2 साल हो गए हैं, तो यहाँ पर ये भी चांसेस है। मुझे ये दिख रहा है कि इन्होंने ना आपको चीट करा है, डेफिनेटली आपके पर्सन आपको छोड़कर आपके प्यार की जिम्मेदारी बिना उठाए, आपकी जिम्मेदारी बिना उठाए आपकी लाइफ से चले गए हैं। यहाँ पर उस वक्त आपके पर्सन कंफ्यूजन में थे, डेफिनेटली यहाँ पर दिख रहा है जो आज भी वही कंफ्यूजन में ही है कि किधर बढ़े। इन्होंने कहीं ना कहीं कुछ तो देखा होगा, किसी को तो एज अ अबेंडेंस इन्होंने अपनी लाइफ में देखा होगा जो इन्होंने आपको उस वक्त छोड़कर जाने का निश्चय करा था। आपके पर्सन बेसिकली आज अबेंडेंस के तौर पे इस शादी को देख रहे हैं। अगर आप हस्बैंड एंड वाइफ हैं और अपने हस्बैंड एंड वाइफ के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं तो आज ये इसी शादी को, इसी मैरिज को एक अबेंडेंस की तरह देख रहे हैं। अगर आप लोगों के बीच में कमिटमेंट को लेकर इश्यूज थे, आप लोगों के बीच में इस मामले में कोई क्लियरिटी नहीं थी, आप इनसे कमिटमेंट चाह रहे थे लेकिन कोई क्लियरिटी नहीं थी क्योंकि ये तो चीट कर रहे थे आपको, तो ये उस चीज को आज उसी कमिटमेंट को एक अबेंडेंस की तरह देख रहे हैं, आपसे बात करने को एक अबेंडेंस की तरह देख रहे हैं। और आज इन्होंने यही देखा कि ये शादी जो भी थी इनके लाइफ में सब कुछ थी, इनके लाइफ में एक शुरुआत थी, इनकी नई जर्नी की शुरुआत थी, ये चीजें दिख रही है। चाहे फिर आप लोग एक दूसरे, आप एक मैरिड पर्सन से ही क्यों ना डील करते हो, तो ओवरऑल आपके पर्सन आज पूरा दिन आपके साथ, इनका जो भी रिश्ता है, जो भी रिलेशनशिप में आप बंधे हुए हो, उसको एक अबेंडेंस की तरह देख रहे थे और उसमें क्लियरिटी लेकर आना चाह रहे थे, जो मैं आपको ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि आपसे बात करना चाह रहे थे, आज इस एनर्जीज में थे ये। तो क्रिएटर को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, ये क्या क्रिएट करना चाहते हैं, क्या चीज अपनी लाइफ में क्रिएट करना चाह रहे थे आज दिन भर, किस बारे में ये सोच रहे थे। 1, 2, 3, 4 यहाँ पे आया है कैंसर पाइसेस एंड स्कॉर्पियो कर्क मीन एंड वृश्चिक राशि जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला एंड कुंभ राशि एरीज लियो एंड सजिटेरियस मेष सिंह एंड धनु राशि एंड टॉरस की एनर्जीज आई है। नंबर 5 आपके लिए इंपॉर्टेंट आया है, यानी कि मई मंथ। हो सकता है आपका रिश्ता 5 सालों का हो और 5 महीने से आप लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन फेस कर रहे हो, या फिर मई मंथ जो अच्छे या बुरे किसी भी वे में आपकी लाइफ से जा नहीं रहे हैं, ठीक है, यानी कि आपके जहन से निकल नहीं रहे हैं। आपके पर्सन बेसिकली आज जो क्रिएट करने के बारे में सोच रहे थे वो ये चीजें दिख रही है, एक फैमिली, एक मैरिज, एक कमिटमेंट। मैरिड हो तो फैमिली को क्रिएट करना चाह रहे थे और कमिटमेंट की वजह से आप लोग अलग हुए तो इस कमिटमेंट के बारे में सोच रहे थे ताकि आप लोग एक फैमिली में आ सको, तो ये चीज क्रिएट करने के बारे में सोच रहे थे। और साथ में ये भी सोच रहे थे आप लोगों के बीच में जो भी इश्यूज हैं, चाहे वो ट्रस्ट इश्यूज हो, चाहे वो मदर इशू हो, चाहे कोई थर्ड पार्टी इशू हो, उससे इस मामले में डिस्कस करने के बारे में सोच रहे थे। ये चीजें दिख रही है कि चाहे इनको इस सिचुएशन को, इस मैरिज में आने के लिए, मैरिज लाइफ को सक्सेसफुल करने के लिए सामने वाले से कितना भी लड़ना क्यों ना पड़े, कितना भी स्टैंड लेना क्यों ना पड़े, ये अब लेंगे, उस एनर्जीज में रहे हैं आज दिन भर। उस बारे में इन्होंने बहुत ज्यादा सोचा है, इन्हें कहीं ना कहीं ये लग रहा था दिन भर में कि सामने वाला पर्सन जो भी है, जब वो सेल्फिश हो सकता है तो ये क्यों सेल्फिश नहीं हो सकते, ये क्यों अपने हिसाब से नहीं चल सकते, इस मामले में काफी ज्यादा सोच रहे थे। यहाँ पर ये चीजें दिख रही, इस एनर्जीज में थे आपके पर्सन आज दिन भर में। बियॉन्ड इल्यूजन तो कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स और ये बताइए किस तरह की पॉजिटिविटी अपनी लाइफ में लेकर आना चाह रहे थे, किस तरह की पॉजिटिविटी के बारे में सोच रहे थे दिन भर, गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए। 1, 2, 3, 4 देखिए गाइस एनर्जीज तो सभी हो गई हैं, मैं एनर्जीज आपको नहीं बता रही हूँ। मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि आप लोगों के बीच में बहुत गहरा ट्रस्ट इश्यूज है,
ठीक है, आप लोगों, आप दोनों एक दूसरे पे विश्वास नहीं कर पाए हो, या विश्वास होने के बावजूद आप लोगों के बीच में कुछ ऐसी बात हो गई, कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, जिस वजह से शायद आपके पर्सन आपको छोड़कर चले गए यहाँ पर, ठीक है। यानी कि आपको इसीलिए नहीं पता कि आप लोगों के बीच में किसी तरह की कोई गलत फहमी बैठाई गई है, जिस वजह से ये आपको छोड़कर गए थे पास्ट में। कुछ लोगों को पता है कि ट्रस्ट इश्यूज ही हैं आप लोगों के बीच में, कुछ लोगों के केस में यहाँ पे कास्ट ट्रेडिशंस, परंपराएं, मैरिज, पेरेंट्स इश्यूज दिख रहा है। तो आपके पर्सन बेसिकली इन्हीं चीजों के प्रति पॉजिटिविटी चाहते हैं कि पेरेंट्स इश्यूज हैं तो ये मान जाएं, ट्रस्ट इश्यूज हैं तो ये सॉल्व हो जाएं, जो चीटिंग वाली एनर्जीज है वो सही हो जाए, उस मामले में ये पॉजिटिविटी चाह रहे थे। ये चाह रहे थे कि ये जो ब्लॉकेजेस आप लोगों की लाइफ में आए हुए हैं, चाहे इन्होंने खुद से ही आपको क्यों ना ब्लॉक कर रखा हो, वो ब्लॉकेजेस अब हट जाए, इन चीजों में पॉजिटिविटी चाह रहे थे। ये देख रहे थे कि आपके साथ एक नई शुरुआत हो जाए, उस चीज में पॉजिटिविटी आ जाए, आप लोगों का साथ हो जाए, आप लोगों का की फैमिली बस जाए, उस मामले में आज ये पॉजिटिविटी लेकर आना चाह रहे थे, इस तरह की एनर्जीज आई है। कॉम्प्रोमाइज के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, मुझे सब बताइए यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज का कार्ड क्यों आया है, कॉम्प्रोमाइज के मामले में क्या सोच रहे थे आज दिन भर में। 1 2 3 4 यहाँ पर ये दिख रहा है कि आप शायद अपने पर्सन से काफी ज्यादा बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, इन्हें कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे, और कहीं ना कहीं इनसे किसी मामले में कॉम्प्रोमाइज करवाने के लिए बोल रहे थे कि भाई थोड़ा आप झुको, थोड़ा हम झुके, रिश्ते में आ जाएंगे, फैमिली बस जाएगी, फैमिली से रिलेटेड इश्यूज जो भी हैं वो सॉल्व हो जाएंगे, आप कुछ ऐसा इनके सामने बोल रहे थे, कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे, बट ये उस वक्त में मान नहीं रहे थे। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं उसी मामले में सोच विचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ये आपसे बात करें, और आप इन्हें क्या समझाना चाह रहे थे उस वक्त में, उस चीज पर आप लोगों के बीच में डिस्कशन हो, उस मामले में आप लोगों के बीच में क्लियरिटी आ जाए। तो ये उस मामले में बहुत ज्यादा सोच रहे थे कि आप आखिर उस वक्त में क्या चाह रहे थे इनसे। हो सकता है आप लोगों के बीच में कास्ट इश्यूज हो, ट्रेडिशंस हो, स्टेटस हो, आप एज में बड़े हो, ये सब इश्यूज थे, और आप इन्हें कहीं ना कहीं कन्विंस करना चाह रहे थे कि ऐसे नहीं, ऐसे हम बात को सुलझा सकते हैं, हम चीजों को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उस वक्त ये आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे, और आपके साथ इनका जो भी रिश्ता था उसे एक बर्डन की तरह ले रहे थे। यहाँ पर ये चीज है, यानी कि क्लियरिटी लेकर आना ही नहीं चाह रहे थे, या ये हो सकता है फैमिली से रिलेटेड इश्यूज हैं, फैमिली कुछ और इन्हें आपके अगेंस्ट भड़का रही थी, कोई ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट कर रही थी, और आप वो चीजें इन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे, उन चीजों पर ये डिस्कस करना नहीं चाह रहे थे। लेकिन आज की डेट, आज पूरा दिन आपके पर्सन उसी मामले में सोच रहे थे कि आखिर वो आप इन्हें क्या समझाना चाह रहे थे, किस तरह की बात इन्हें समझाना चाह रहे थे, क्या सॉल्यूशन आपने इस रिश्ते को सही करने के लिए निकाला था, उस मामले में आज दिन भर सोचते रहे हैं कि ये क्या आपसे बात करकर वो सॉल्यूशन पूछें, या उस सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस करें, उस मामले में काफी ज्यादा सोचा है आज दिन भर इन्होंने, ठीक है। ओवरऑल इनका था कि ये आपके साथ इनका जो भी रिश्ता है ना, उसमें ये पॉजिटिविटी लाएं, आप लोगों का मैरिज जो है, मैरिड हो तो मैरिज लाइफ सक्सेसफुल हो जाए, कमिटमेंट को लेकर जो इश्यूज हैं वो आपके सब सही हो जाएं, तो उस मामले में काफी ज्यादा सोच विचार करते हुए तो ये दिख ही रहे हैं। चलिए देखते हैं आपके पर्सन के क्या मैसेजेस है, आपसे क्या कहना चाह रहे थे, काफी कुछ कहना चाह रहे थे, इवन बात करना चाह रहे थे, यहाँ पे भी मैंने आपको बोला बात करना चाह रहे थे। 4 5 5 6 7 आई वॉन्ट अ फ्यूचर विद यू, ये तो हमें पता चल गया कि आपके पर्सन बेसिकली आपके साथ एक फ्यूचर देख रहे हैं, और वही इन्होंने उसके बारे में सोचा। आई नेवर चीटेड, तो यहाँ पर चीट की एनर्जी आई है, इन्होंने आपको चीट करा, चाहे वजह कोई भी क्यों ना हो, चीट तो इन्होंने करा आपको, यहाँ पर ये चीजें दिख रही हैं। यही आपसे कहना चाह रहे थे कि ये कभी भी आपको चीट नहीं करना चाहते थे, जस्ट गिव मी अनदर चांस। तो ये बेसिकली आज दिन भर मैं आपको यही बोल चुकी हूँ कि इस मामले में सोच रहे थे कि आप आखिरकार इनसे क्या कहना चाह रहे थे,
तो उस मामले में ये आपसे दूसरा चांस मांगने के बारे में सोच रहे थे, ये दिख रहा है। आई मिस यू यार, प्लीज कम बैक। तो ये आज आपको दिन भर बहुत ज्यादा मिस कर रहे थे और चाह रहे थे कि आप इनकी लाइफ में फिर से आ जाओ, तभी ये काफी ज्यादा जगल कर रहे थे यहाँ पर। विल यू वेट फॉर मी, आपसे कन्फर्मेशन मांगना चाह रहे थे कि क्या आप इनका इंतजार कर रहे हो या आप मूव ऑन कर गए हो, आगे बढ़ गए हो इनसे। आई जस्ट एक्ट लाइक आई डोंट केयर। तो हो सकता है आप लोगों के बीच में जो फैमिली इश्यूज हुए थे, तो ये ऐसे एक्ट करते हो कि आपकी केयर ही नहीं करते हैं। ये हमेशा उनका साथ देते थे, उन्हें ही प्रायोरिटी देते थे, चाहे इश्यूज कोई भी क्यों ना हो, चाहे कास्ट इश्यूज है, ट्रेडिशंस इश्यूज है। फैमिली ने ना बोल दिया तो इन्होंने भी ना बोल दिया, उसके लिए ने आपको छोड़ना पड़ा, लड़ना पड़ा, तो इन्होंने उन्हीं का साथ दिया और आपकी केयर नहीं करी उस वक्त में। तो ये आपसे ये कहना चाह रहे थे कि उस वक्त में ना सिर्फ एक्ट करते थे कि आपकी केयर नहीं करते हैं, ये आज भी आपकी केयर करते हैं। हैव यू मूव्ड ऑन। तो ये आपसे ये पूछना चाह रहे थे दिन भर में कि भाई क्या आप इनके इस रवैये की वजह से इनसे मूव ऑन हो गए हो, आगे बढ़ गए हो, जैसा इन्होंने आपके साथ करा, गलत करा, तो आप ऑलरेडी मूव ऑन कर गए हो या आप इनका अभी भी इंतजार कर रहे हो। दोनों चीजें ये पूछना चाह रहे थे दिन भर, क्योंकि बेसिकली ये आपसे वही रास्ता पूछना चाह रहे थे कि आप क्या इन्हें समझाना चाह रहे थे, क्यों आप इन्हें कॉल टेक्स्ट मैसेज करना चाह रहे थे, क्या बात थी कि चीजें आपकी सॉल्व हो जाएं, ये चीजें है। ठीक है, चलिए आपके लिए गाइडेंस के कार्ड्स और देखते हैं, ये जो भी आपके पर्सन की एनर्जीज आई है उस मामले में आपको क्या गाइडेंस दी जा रही है। पहला आया है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, जर्नी, हैप्पी फैमिली, दो कार्ड्स और निकालेंगे, फोर्थ चक्र आर्कएंजल रेफरल, ब्रोकन हार्ट। दोनों हार्ट चक्रा को ही बताते हैं कि आप लोगों का तो दिल टूटा हुआ है बिल्कुल, क्योंकि आपके पर्सन ने बेसिकली कभी आपका साथ नहीं दिया, हमेशा फैमिली को ज्यादा इम्पोर्टेंस दी आपकी बजाय, यहाँ पर ये दिख रहा है, यानी कि आपको फैमिली की तरह ना देखा ना माना, ये चीजें हैं। तो आपसे बोला जा रहा है, देखो गाइस, आपकी और आपके पर्सन की बिल्कुल यहाँ पर फैमिली तो बनकर रहेगी, आपकी नई शुरुआत, नई बिगनिंग तो यहाँ पर होकर रहेगी, ये चीजें बोली जा रही हैं आपसे यहाँ पे। तो फूल का कार्ड भी आया था, अभी दिख नहीं रहा मुझे। तो आप लोगों का यहाँ पे नई शुरुआत बिल्कुल होकर रहेगी, ये चीजें बोली जा रही है, नई शुरू जर्नी होगी, बस आपको थोड़ी और हिम्मत बनाए रखनी है। अगर आपने इतनी हिम्मत बनाकर रखी है अभी तक, तो थोड़ी सी और आपको हिम्मत बनाने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है, अपने दिल को हील करने के लिए बोला जा रहा है, आपसे बोला जा रहा है चीजें आप ही के फेवर में होंगी, लेकिन विश्वास तो आप ही को करना होगा, हिम्मत तो आपको ही यहाँ पर जुटानी होगी, ताकि आपकी मैरिज लाइफ या मैरिज को लेकर जो भी सपना है वो पूरा हो सके। ठीक है, तो बेसिकली आपको अपने फोर्थ चक्रा यानी कि हार्ट चक्रा पे काम करने के लिए बोला जा रहा है। रोमांस एंजल से देख लेते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स आए हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्सल, बताइए आप क्या कहना चाहते हो मेरे व्यूअर्स से। गाइड कीजिए यूनिवर्सल, बताइए आप क्या कहना चाहते हो सिचुएशन के मामले में। योर लव योर सेल्फ फर्स्ट, आपसे बोला जा रहा है आपको अपने आप से ज्यादा प्यार करना है, क्योंकि आपने किसी और को प्यार करा ना, इसीलिए आप ज्यादा हर्ट हुए। अपने आप को प्यार करते तो ऐसा आपके साथ कभी भी नहीं होता। सोलमेट, आपका सोलमेट कनेक्शन है, ये जो भी आपके पर्सन है, आपका और आपके पर्सन का सोलमेट कनेक्शन है। यस, दिस इज योर सोलमेट। दो कार्ड्स खुल गए। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, तो आपसे बोला जा रहा है आपको अपने इस रिश्ते को एक मौका देना चाहिए, क्योंकि आपके पर्सन भी इस रिश्ते को एक नया मौका देने के बारे में काफी ज्यादा दिन भर सोच रहे थे। तो आपको भी यही बोला जा रहा है, बस आपको पॉजिटिव रहना है, स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, अपनी लव लाइफ को लेकर पॉजिटिव रहना है, और इस टूटे हुए दिल से तो बिल्कुल भी नहीं, दिल को आपको हील करना है, तभी पॉजिटिव रह पाओगे, और इस रिश्ते को एक सेकेंड चांस जरूर देना है। लेकिन इस ये जो भी आप लोगों के बीच में सिचुएशन हुई है, इससे एक लेसन तो आपने सीख लिया कि अपने आप को ज्यादा प्यार करना है बजाय अपने पर्सन के। ठीक है, अपने आप को भी प्रायोरिटी देनी है, जैसे आपके पर्सन ने
कहीं ना कहीं किसी और को प्रायोरिटी दी, तो आप अपने आप को तो एटलीस्ट दे ही सकते हो, ऐसा आपसे बोला जा रहा है। ठीक है, तो गाइस ये थी मेरी रीडिंग, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, आप इस रीडिंग से कनेक्ट हो पाए हो। अगर रीडिंग पसंद आती है, कनेक्ट हो पाते हैं, तो प्लीज बताइएगा जरूर, और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स मैं आपके लिए लेकर आ सकूं, और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही, ओके बाय।